अब फिर से चालू हो गया रीडिमांड सर्किट है उच्च बेंच के लिए, क्योंकि भवानी बाबू हैं वो एक ऐसे हैं वो चुप नहीं बैठते, कोई ना कोई काम हो आगे बढ़ जाते हैं। हम तो बहुत धन्यवाद देंगे, कम से कम उन्होंने का आवाज़ उठाई। सर आपका मुखिया हमारा जो दावी है वो उड़ीसा हाईकोर्ट का एक परमानेंट बेंच जी सर वेस्टर्न उड़ीसा में होना चाहिए, और वो जसवंत सिंह कमीशन का जो रिपोर्ट है उसी आधार पर होना चाहिए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लिखा है पत्र माननीय हाईकोर्ट के मुख्य विचारपति उनका जवाब वो 11 साल से नहीं दे रहे हैं, तो उनका जवाब भी वो तुरंत उनको देना चाहिए। और क्योंकि एक पार्टी का सरकार है दिल्ली में उड़ीसा में भुवनेश्वर में, तो दोनों मोबाइल करके आपस में बात करके हाईकोर्ट बेंच को तुरंत फैसला करें। थैंक यू सर। अभी हमने देखा भवानी भवन का, अरे सरकार भी तुम्हारी, दिल्ली भी तुम्हारा, उड़ीसा भी तुम्हारी, और डबल इंजन की सरकार। आप तो जब सरकार में थे तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, हम जब आ जाएंगे तो करेंगे, और अभी आप क्यों देरी करते हैं? कम से कम कर देना चाहिए और लोगों का समस्या भी दूर होगा। नहीं, बड़ी बड़ी बात करते थे नहीं करते थे उसके बारे में मुझे नहीं बोलूँगा, लेकिन सभी लोग मिल करके कर रहे हैं सभी लोग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे